गुरु नानक देव जी महाराज के तौर तरीकों के नाल जो नाम जपना चाहता सी उस वक्त मर्यादा सी चरण धोए रह रास कर चरणा अमृत सिखां पिलाया। चरणामृत पिला देना, दीक्षित कर देना और कह देना वाहिगुरु जप, फिर सिखी का दायरा बहुत वसी होने लग पाया, वधन लग पे। गुरु अमरदास जी महाराज ने यह आ गया, यह खुल बाई मसंदा नूं भी दे दित्ती। बाई मसंदा विचों तीन बीबिया सन, उन्नी पुरश सन। ये नाम जपांदे रहे चरणामृत दे के। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुँचदियाँ, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक पहुँचदियाँ ये मसंद भ्रष्ट हो गए सन। पूजा इतनी बद गई, ताकत इतनी बद गई और धन संपदा इतनी बद गई, इन्हां दे अंदर ख्याल आ गया आप खुद ही गुरु बनीए, गुरु वास्ते कम करने की की लोड़ है। कहिंदे ने हैवी गिज़ा, भारी भोजन कोई खा लवे ते मैदा कमजोर होवे फिर पचदा नहीं। जिवें कईआं नूं भोजन नहीं पचदा, कईआं नूं धन नहीं पचदा, कईआं नूं प्रभुता नहीं पचदी, कईआं नूं ताकत नहीं पचदी, उन्हां मसंदा नूं ना पची, वह हजम ना कर सके। सीमा तो वध उन्हां दी पूजा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, ताकत वध गई, वह हजम ना कर सके। इस मसंद प्रथा नूं फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता और पंज प्यारियां दे हवाले किया, दीक्षित करना। ये चरनामत पिला के नहीं, बाणी का पाठ होगा, खंडे बाटे का अमृत, ते बाणी नू जो दृष्टि दे राही पाणी दे प्रवेश करा सके। आपदी ग्यातली अर्ज करा, जिदे हिरदे च बाणी वसी होवे, नाम वसिया होवे, उहदे पैर जिथे टिकणगे धूल पवित्र होवेगी, अक्सीर बनेगी। बड़ी महिमा गाई है गुरबाणी ने, किसे वक्त तुहाडे सामने रखांगा। उहदी दृष्टि अमृतमई आउंदी है और खास करके अगर पानी दी टिक जाए उहदी दृष्टि थोड़े जिहा समय लई तो पानी अपना सुभाव बदल लैंदा है, वह अमृत हो जाता है। अंदर जप चल रहा है बाणी का, तो बाणी जो अमृतमई है दृष्टि के राही अमृत बार टपक रहा है। इस वास्ते पंज प्यारियां नूं आ गया, बाणी पढ़न लग्या दृष्टि पानी च रखनी पैंदी, उस बाठे के जल विच, ताकि बाणी का सारा प्रताप दृष्टि के राही पाणी दे प्रवेश कराया जा सके। आपदी ब्यातली अर्ज करा, जिहदा हिरदा अमृतमई हो जाता है, उहदी दृष्टि अमृतमई हो जाती है, उहदे बोल अमृतमई हो जाते हैं, उहदा हर कर्म अमृतमई हो जाता है। यह मैं अर्ज करदे हां, साफ कहा है भगत नाम देव ने। नाम देव कहिंदे ने मेरे नसां विच खून गर्दिश नहीं कर रहा। तो की गर्दिश कर रहे, हर एक दिन नसा च खून आंदा है? कहिंदे ने नहीं, अमृत गर्दिश कर रहे हैं। ओ किस तरह, बड़ा कीमती शब्द है भगत नामदेव दा, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाओ, सत्तर दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढ़ाओ, पाछे बहुर न आवन पाओ, अमृत बाणी घटते उचरों, आत्म को समझा। सत्तर दोए, सत्तर ते दो बहत्तर, शरीर दे च मोटियां नसां बहत्तर ने। इन्हां मोटियां नसां दा हजारां सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, जुड़ियां हुई ने। नामदेव कहिंदे ने इन्हां बहत्तर नाड़ियां दे च खून गर्दिश नहीं कर रहे, अमृत कर रहे हैं। मेरा खून पावन हो गया है, इन्हूं डॉक्टर मुहम्मद इकबाल मनदे हैं। वो कहिंदे ने एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। मरदे ते लोग रोज पहने खून ते जमीन ते डुलदा पे है, पर जिन्हों का अमृतमई खून किधरे जमीन ते डुल जाता है, बड़ी भारी क्रांति आती है, ते जगह तीर्थ बन जाती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून चांदनी चौंक के जिस अस्थान से डुलिया वो तो तीरथ बन गया, उन्हें क्रांति लिया बड़ी भारी, उहदे नाल देश का जनेऊ बच गया, तिलक बच गया। तिलक जंजूरा का प्रवतांका, तीनों बड़ो कलू में साका, जिस थान से डुलिया है
हुण जिहड़ा भी उत्थों लंघदा सिर झुका के ही लंघदा उह तीरथ बन गया। वह खून नहीं डुलिया सी, अमृत से जिहदे खून दे अमृत की धार हो जाए उहदी दृष्टि अमृतमई हो जाती है, उहदे बोल अमृतमई हो जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐसे पंज प्यारे जिन्हों की जिंदगी अमृतमई है, जिन्हों की दृष्टि अमृतमई है, जिन्हों के बोल अमृतमई ने, उस तरह के पंज सिख अमृत छकाया करनगे, दीक्षित करनगे, वाहिगुरु मन की दृढ़ता करानगे। तो इस तरीके के मंत्र हजारा ने, गोरख भी मंत्र है, रहीम भी मंत्र है, अला भी मंत्र है, राम भी मंत्र है, माधो है, मधुसूदन है, सतनाम है, गुरु ग्रंथ साहब विच ये हजारा मंत्र ने। किसी एक मंत्र बारे गुरु नानक कह देंगे यही जपो तो फिर सिख धर्म सांझा धर्म नहीं रहना सी। जैसे इस्लाम सांझा धर्म नहीं है, खाना काबा विच खाने खुदा विच गैर मुसलमान नहीं जा सकता, उत्थे राम दी धुन नहीं अलापी जा सकती, सिर्फ अल्लाह ही आख्या जा सकता। यही एक घर है, इत्थे अल्लाह भी गूंजदा पिया, राम भी गूंजदा पिया, मधुसूदन भी गूंजदा पिया, माधव भी गूंजदा पिया, और गोविंद भी गूंज रहे हैं। गोविंद गोविंद देत जपनर,